So once again, I wish you all a very good morning. So actually, we have discussed about pharmacology related terms, and I think that we have discussed up to pharmacognosy. So probably you have understood a few of the terms. So we will keep continue with this terminologies. So what is pharmacognosy? Can anyone say? कोई बता सकता है फार्माकोग्नोसी से क्या समझ में आया तुम लोगों को? चलो फार्मासी से स्टार्ट करते हैं। तो फार्मासी बेसिकली क्या है? ये एक फार्मासी जो है साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ड्रग के प्रिपरेशन, उसके फॉर्मुलेशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन और जो प्रिजर्वेशन और डिस्पेंसिंग है उसको डील करती है ये फार्मासी। फिर आते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी पे। तो एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि फार्माकोग्नोसी में हम किसी भी ड्रग के सोर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि वो ड्रग का जो ओरिजिनल सोर्स है वो कौन सा है और किस तरीके से हम उसको गेन कर सकते हैं या सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये जो ब्रांच है फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी की ये ब्रांच ये डील करती है। और उस ड्रग की जो फिजिकल यानी कि पर्टिकुलरली जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे टर्मरिक है या फिर एलिसिन है गार्लिक में, तो ये एलिसिन जो है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये बेसिकली हम लोगों ने डील किया था। फिर हम लोग आते हैं मेटेरिया मेडिका पे। मेटेरिया मेडिका जो है वो जनरली सबसे पहले जो ओल्डेस्ट बुक है, एक्चुअली ये मेटेरिया मेडिका नाम आया कहीं से। अभी भी जो होम्योपैथ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो मेटेरिया मेडिका एक पुरानी बुक है जिसमें उस कोई भी ड्रग के डोजेस के बारे में, उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और किस केस में उस ड्रग का यूज हम कर सकते हैं, जो पेशेंट होगा वो क्या बिहेवियरल साइन, बिहेवियरल या क्लिनिकल साइन सिम्टम्स शो करेगा और उसके अकॉर्डिंग टू हम कौन सी दवा सेलेक्ट कर सकते हैं, किस डोज में देंगे, ये डील करती है मेटेरिया मेडिका। तो बेसिकली ये जो है मेटेरिया मेडिका एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है जो डील करता है बेसिकली फार्मासी से। फार्मासी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन टू मैन्युफैक्चरिंग देन डिस्पेंसिंग, ये कंप्लीट चीज जो है वो डील करती है। देन दूसरा है ये पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या है? पोसोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ मेडिसिन दैट कंसर्न्ड विद डोजेस। ठीक है, तो डोजेस मतलब क्या होता है? डोजेस को यदि हम डिफाइन करें तो जनरली डोजेस कैन बी डिफाइंड एज द प्रिस्क्राइब्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट और नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजेस over a specific period of time. So dose or doses में जैसे हम लोग बोलते हैं ना mile और mileage, ठीक है, तो ये दो जो है थोड़ा सा यदि AGE लग जाता है तो terminologies change हो जाते हैं। mile और mileage से तुम लोग शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे मोटरबाइक चलाते होंगे या कार चलाए होंगे तो तुम लोग जानते हो कितने माइल हम क्रॉस किए और ये कितना माइलेज दे सकती है। द सेम थिंग कि जब हम डोजेस की बात करते हैं तो डोजेस जो है वो किससे किसके बारे में डील करता है, तो ये पर्टिकुलरली जो कोई भी कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं उसका नंबर क्या होगा और ये जो फ्रीक्वेंसी है डोज का वो कितना होना चाहिए या कितना फ्रीक्वेंसी है, तो इसके बारे में ये बताता है, मतलब जिसका उसका कंसंट्रेशन की हम बात करें। अब तुम लोग आओगे एक ब्रांच है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी और मीटियोरोलॉजी, देयर आर टू साइंसेस, so do not confuse with both these terms. When we deal about the meteorology, it is the science of weather, climatic variation or jo bhi, but when we discuss about metrology, meteorology kya hua, science of weather, but metrology is the study of weights and measures as applied to the preparation and administration of drugs. yani ki koi bhi jo drugs hai wo kitna amount hoga, uska naap tol कितना होना चाहिए, कितना अमाउंट लेंगे, उसका यूनिट क्या होगा,
ये जो डील करती है ये मेट्रोलॉजी करती है। जैसे कि हम लोग वैक्सीन की बात करते हैं या कोई एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो उसमें देखोगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट यूज करते हैं, तुम लोग उसमें लिखा रहता है IU, ठीक है। तो ये जो मेट्रोलॉजी है वो डील करती है उसके यूनिट्स के, उसके मेजर्स के बारे में, उसके वेट्स के बारे में, इसकी स्टडी जो होती है वो मेट्रोलॉजी में करते हैं। क्रोनो फार्माकोलॉजी क्या है? क्रोनो फार्माकोलॉजी जो है वो क्या स्टडी करती है कि जो ड्रग का इफेक्ट होगा, क्रोनो फार्माकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट विद द बायोलॉजिकल एंटिटी विद सब्सिक्वेंट टाइमिंग्स, यानी पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ साथ जो बायोलॉजिकल मॉइटीज में क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या रिस्पॉन्स हो कर रहा है, ये स्टडी जो करती है वो क्रोनो, क्रोनो मतलब होता है एक सीरियली, मतलब श्रृंखलाबद्ध, ठीक है। एक कैसे कोई भी ड्रग किस तरीके से एंटर करना और हमारे सेल में और किसी भी बायोलॉजिकल मॉइटीज के साथ कैसे बाइंड करती है, फिर उसमें क्या चेंजेज आ सकते हैं, उसका कौन से रिसेप्टर बाइंड करते हैं, फिर वो रिसेप्टर बाइंड करने के बाद उसका फर्दर मोलिकुलर जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ये डील करती है क्रोनो फार्माकोलॉजी। अब हम लोग आते हैं फार्माको विजिलेंस के बारे में। तो बेसिकली फार्माको विजिलेंस डील्स विद द डिटेक्शन, असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। विजिलेंस मतलब तुम लोग को पता ही होगा निगरानी, और फार्माको मतलब क्या होता है, दवाई, यानी दवा की निगरानी। सिंपली क्या है कि ये एक साइंस का वह ब्रांच है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का डिटेक्शन, उसका असेसमेंट, उसके बारे में उसकी जो सावधानी होती है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, ये डील करता है फार्माको विजिलेंस। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। फार्माको एपिडेमियोलॉजी जैसा कि हम लोग शायद लास्ट क्लास यहीं पे छोड़े थे, तो फार्माको एपिडेमियोलॉजी है कि द स्टडी ऑफ यूज एंड द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स इन लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, या लार्ज नंबर ऑफ पीपल। पर्टिकुलर ड्रग का इफेक्ट एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे, एक इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, इस तो इसकी जो स्टडी होती है वो फार्माको एपिडेमियोलॉजी में हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तुम लोग को तो तुम लोग डिस्कस कर सकते हो कि फार्माकोलॉजी रिलेटेड जो टर्म है उसमें क्या चीज समझ में आई या नहीं आई। तुम लोग गए हो, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं तुम लोग उसको एक बार स्टडी किए, यदि नहीं किए हो तो प्लीज गो थ्रू इट और जरूर डिस्कस करो कि उसमें क्या समझ में नहीं है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो हो सकता है ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। फिर हम लोग आते हैं ड्रग रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानने के लिए। अब ड्रग्स जो है, जब हम ड्रग के बारे में बात करें तो ड्रग क्या है कि ड्रग का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके बारे में हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था और उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है। तो मैं एक बात बता देता हूँ कि ड्रग जो है बेसिकली ये टर्म ड्रूग से डेवलप हुआ। ड्रूग जो है वो डच वर्ड है और उसका मतलब होता है ड्राई हर। बाद में लेटर ऑन जो फ्रेंच थे उन्होंने इस टर्म को एडॉप्ट किया और उन्होंने इसको नाम दिया ड्रग। तो बहुत सारे जगहों पे आइदर फ्रेंच और आइदर इन डच वर्ड में आपको लिखा होगा, बट जो वर्ड है उसका मीनिंग जो है क्या है, दोनों का सेम है। या तो फ्रेंच में होगा तो ड्रग है और डच वर्ड जो है वो टर्मिनोलॉजी उसको उन्होंने ड्रूग बोला था सबसे पहले, तो ये जैसे का तैसे एडॉप्ट किया फ्रेंच में और वो जो स्पेलिंग जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में उनको उन्होंने ड्रग कहा, तो इसका मतलब होता है ड्राई हर। तो बेसिकली ड्रग, जब हम ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग कैन बी डिफाइंड एज एनी केमिकल एजेंट और एनी केमिकल एजेंट एक्सेप्ट फूड, यानी ड्रग्स आर नॉन कंज्यूमेबल सब्सटेंसेस, सॉरी ड्रग्स आर नॉन दोज कंज्यूमेबल सब्सटेंसेस विच आर एक्सेप्ट फूड, ओके, एक्सेप्ट फूड विच इज बेसिकली यूज टू प्रोमोट और सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, बेसिकली जो इसका जनरल टर्म। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज और इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई
और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट. यू सी, फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट, इफ समवन इज प्रोवाइडेड एनी केमिकल एजेंट एक्सेप्ट फूड, इट विल बी कॉल्ड एज ड्रग. बट ड्रग इज बेसिकली मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट. क्लियर? नाउ सी, अब इस ड्रग के टर्म से बहुत सारे टर्म्स डिराइव्ड हो रहे हैं, जैसे कि ओवर द काउंटर ड्रग्स, दूसरा है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, तीसरा है एसेंशियल ड्रग्स, फिर है प्रो ड्रग्स, हार्ड ड्रग्स, सॉफ्ट ड्रग्स, न्यूट्रोपिक ड्रग्स. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा. जब हम ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, तो ओवर द काउंटर ड्रग्स आर दोज प्रिपरेशंस और दोज सब्सटेंसेस विच कैन बी सोल्ड विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन. शायद हम लोगों ने पिछले भी बार ये डिस्कस किया था, विच कैन बी सोल्ड विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज दे कैन बी एडिक्वेटली लेबल्ड फॉर लेमैन यूज, कि इसे कोई भी लेमैन जो है वो परचेज कर सकता है. तो ऐसे जो भी ड्रग्स होते हैं, जैसे कोई भी कॉस्मेटिक्स हैं, कॉस्मेटिक्स ड्रग्स जो होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा मेडिकेटेड या फिर सपोज कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जिसको कि हम लोग काउंटर, जैसे अल्कोहल, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, इस तरीके से बहुत सारे इनको भी हम ड्रग्स की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन होते हैं इनको सोल्ड किया जाता है, और चूंकि इनके ऊपर में प्रॉपर लेबलिंग होती है, तो वी कैन से इट एज ओवर द काउंटर ड्रग्स. बट देर आर सर्टेन ड्रग्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड एंड दे आर नॉट गिवेन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. So such kind of drugs are called as prescription drugs. So basically, prescription drugs are drugs which can be used only on the order of a licensed physician, veterinarian, or any surgeon based on its prescription. So these drugs are called prescription drugs. अब हम लोग आते हैं essential drugs के बारे में discuss करने के. तो एसेंशियल ड्रग्स जब बोलते हैं कि मतलब जरूरी दवाई क्या है, तो एसेंशियल ड्रग्स आर दोज एजेंट्स विच सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. यानी कि कोई भी ऐसा ड्रग जो एसेंशियल हो और वो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के नीड को सेटिस्फाई करता हो, तो ऐसे ड्रग्स को हम लोग एसेंशियल ड्रग्स के कैटेगरी में रखते हैं. So why they must be available at all times in adequate amounts and in appropriate doses form. अभी जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि essential drugs में कोई भी सरकारी hospital में जाओ तो कुछ antibiotics या certain substances, paracetamol, so these can be falls under the category of essential drugs. तो ये होने चाहिए, so that जैसे हम लोग पानी की bottle बोलते हैं, जैसे जब भी किसी का तबीयत डाउन हुआ तो वो क्या करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, इमीडिएटली व्हाट दे डू, दे यूज दैट वाटर. ठीक है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है जो चढ़ाने के लिए यूज हम लोग करते हैं, फिजियोलॉजिकल सेलाइन वाटर जो होता है वो यूज करते हैं. तो फिजियोलॉजिकल सेलाइन वाटर जब भी हम बात करते हैं तो उसमें 0.84 सेलिनिटी रेंज होती है, और उसमें एसेंशियल मिनरल मिक्सचर होते हैं जो वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं. सो दीज कैन बी कॉल्ड एज एन एसेंशियल ड्रग. Now we discuss about the prodrugs. So prodrugs are those drugs which are basically inactive or have a low order of activity in the form of administered and are metabolized to the active form in the body. Yani initially kya hota hai, jab inko derive hum karte hain, jaise jab inko diya jata hai to ye inactive form mein hote hain, aur jaise hi hamare body ke andar jayega at certain point of location they will be activated. ठीक है, तो जैसे कैप्सूल का जो आउटर कोटिंग होती है, they can be fall under the prodrugs. कि ये जो prodrugs होता है वो inactive form में होता है. जब जो अपर कोट होगा वो जब डिजोल्व होगा तभी जाकर के अंदर के ड्रग्स कहीं पे एक्ट कर पाएंगे. तो कुछ इस तरह के जो ड्रग्स हैं जो हेल्थ में एडवर्स इफेक्ट नहीं लाए एंड दे कैन बी activated by a particular pathway or at a particular location are falls under the category of prodrugs. अब हम लोग हार्ड ड्रग्स की बात करें,
हार्ड ड्रग्स जो है वो क्या है? हार्ड ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज फॉर नॉन मेडिकल पर्पस, नॉन मेडिकल पर्पस एंड विच आर लायबल टू डिसेबल द इंडिविजुअल सीरियसली एज अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी बाय इंड्यूसिंग सीवियर साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस। यानी कि कोई भी ऐसा ड्रग जो पहला तो नॉन मेडिकल पर्पस के लिए जाना जाता है और जब इसका कंजम्पशन कोई करने लगते हैं तो वो सोसाइटी से उनका क्या होता है, बायकॉटिंग होने लगती है, जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस या फिजिकल डिपेंडेंस जो होती है उस पर बढ़ जाती है। यानी आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे ड्रग एडिक्ट हैं या अल्कोहल लेना हमारे सोसाइटी में एक तरीके से उनको गलत तरीके से देखा जाता है। जैसे कोई नशेड़ी है, कोई चरस ले रहा है या गांजा ले रहा है, तो इस तरह की चीजें जो है वो गलत मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे जो है जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एक पीपल पे वो निगेटिव होता है। आप देखोगे इस तरह के लोग क्या होते हैं, वो सोसाइटी से उनका धीरे धीरे वो कट ऑफ होने लगते हैं बिकॉज सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ पर्सन। और दूसरा चीज क्या होता है कि उस पर्सन की जो फिजिकल डिपेंडेंसी होती है, जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी होती है, आइदर या तो सौड़ों के लिए या हैप्पीनेस गेन के लिए, हैप्पीनेस गेन करने के लिए या सौड़ों को भूल जाने के लिए, इस तरह के लोग जो किसी भी जिसको कमजोर लोग हम लोग बोलते हैं, तो अपनी चीजों को भूलने के लिए जो वो ड्रग डिपेंडेंसी होने लगती है और हमारा शरीर भी उनके प्रति एडिक्ट हो जाता है। और सोसाइटी में इस तरह के लोग क्या होते हैं वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कट सकते हैं, कटने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो ड्रग्स हैं उनको हार्ड ड्रग्स की कैटेगरी में रखा गया, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया हेरोइन, ये कुछ और भी हो सकता है, मेटामॉर्फिन या फिर और भी अदर ड्रग्स। देन सॉफ्ट ड्रग्स की हम लोग बात करें तो सॉफ्ट ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर नॉन मेडिकल पर्पसेस बट दैट आर लेस डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग, ठीक है। यानी कि जो डिपेंडेंसी होती है बॉडी की वो कम होती है, हम उसको उतना ही अमाउंट में डालते हैं और या कि आदमी उनका हैबिचुएटेड नहीं हो जाए। जैसे बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है तो उनको एक सॉफ्ट या नींद की गोली एक पर्टिकुलर अमाउंट में दी जाती है ताकि जो निगेटिव इम्पैक्ट है किसी भी ह्यूमन पे वो नहीं होना चाहिए। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस और क्या बोलते हैं जो या तो स्लीपिंग सिकनेस से हो या फिर उनको नींद नहीं आ रही हो, तो इस केस में दोनों ही केस में हम लोग ये दो तरह के ड्रग यूज करते हैं। और दोनों ही ये जो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, आपको या तो नींद में लाने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए, कभी कभी उसको हम लोग रिलैक्स ड्रग्स भी बोलते हैं, तो रिलैक्सेशन में लाने के लिए इस तरह के ड्रग यूज किए जाते हैं। हालांकि लंबे टर्म के लिए, जब लंबे टर्म में के लिए इनका रेगुलर कोई यूज करता है तो हो सकता है कि समय के साथ साथ वो उनका एडिक्ट हो जाए, बट जनरली इट इज इंटेंडेड टू मेड टू रिलीव द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह के ड्रग्स जो है वो सॉफ्ट ड्रग्स की कैटेगरी में लाए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं न्यूट्रोपिक ड्रग्स के बारे में। तो न्यूट्रोपिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किसी के भी इंटेलेक्ट को अफेक्ट करते हो। ऐसे बहुत सारे आयुर्वेद में भी या आपके होम्योपैथ में या फिर एलोपैथ में ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रेन शार्प कर देता है, नहीं मतलब कि ये आपकी जैसे शंख पुष्पी या पहले के जो एडवर्टीजमेंट थे, या होम्योपैथ में भी है कि कुछ एक दवाइयों के नाम जो कहा जाता है कि आपकी मेमोरी पावर को इंड्यूस करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं उनको न्यूट्रोपिक्स ड्रग के कैटेगरी में रखा गया है, जो आपके ब्रेन की सेंसिटिविटी को या फिर उनके बेटा मतलब उनकी जो उनका जो मेटाबॉलिज्म पाथवे होता है वो इंड्यूस करता है, थोड़ा एक्टिव कर देता है। तो इस तरह के ड्रग्स को हम लोग न्यूट्रोपिक्स ड्रग्स में रखते हैं ताकि वो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं दे कैन इजीली हैंडल द स्ट्रेस और एनी हाइपोक्सिया। तो इस तरह के ड्रग्स को हम लोग न्यूट्रोपिक ड्रग्स के कैटेगरी में रख सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑर्फेन ड्रग्स। ऑर्फेन ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं? ऑर्फेन ड्रग्स आर दोज ड्रग्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स व्हिच आर बेसिकली मेड फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। शायद ये भी डिस्कस किए हम लोग कि किसी भी ड्रग्स
मतलब कोई रेयर इवेंट में जब ऐसे ड्रग का यूज कर रहे होते हैं, कोई भी रेयर इवेंट, कोई एक ऐसा डिजीज हो गया हो जो एबनॉर्मल डिजीज हो, उसके लिए हम लोग उसके कॉस्ट की परवाह किए बना एक पर्टिकुलर पर्सन को ट्रीटमेंट करने के लिए जो उस ड्रग का सिंथेसिस, उस पर सिंथेसिस करना, उस पर काम करना, हाउ दे वर्क, तो सच काइंड ऑफ ड्रग्स दे फॉल्स अंडर द ऑर्फन ड्रग्स। सो जैसे यहाँ पे बेसिकली एक एग्जांपल दिया है एसिटाइल सिस्टीन का। तो इस तरह के ड्रग्स जो होते हैं, हालांकि इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा है, और स्पेशल केसेस में इस तरह के ड्रग्स यूज किए जाते हैं बिकॉज इनका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। सो पर्टिकुलरली इस तरह के ड्रग्स जो होते हैं वो बहुत ही केयरफुली और इंटेंडेड टू मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर रीजन विदाउट कंसर्निंग द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर ड्रग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लेसबो के लिए। तो सो प्लेसबो जब हम बोलते हैं, प्लेसबो मतलब होता है प्लीजिंग और एक्सेप्टेड। यानी कभी कभी कुछ लोगों को क्या होता है, जब आप कुछ लोग होते हैं जिनको कोई डिजीज नहीं हो बट वो बोलेंगे कि मतलब उन्हें कुछ बीमारी होती है, मतलब कुछ लोगों को जबरदस्ती बीमारी चाहिए होती है। यदि उनका ईच एंड एवरी थिंग, यदि उनका हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कर ले, उनका ब्लड पैरामीटर सही है, उनका हार्ट रेट सही है, उनका बीपी सही है, इवन दो दे विल आस्क डॉक्टर्स कि हमको दो दिनों से नींद नहीं आ रही है या फिर वो नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में हालांकि वो, क्योंकि नींद आना या मेहनत, जो मेहनत करेंगे उनको नींद आएगी, और जो एकदम सुख सुविधा में रह रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि एक 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 या तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है कि यदि हम दवाई खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता है कि एक फॉल्स ड्रग, यानी कि आप जब भी आप जब जाते हो डॉक्टर के सामने में, जब तक आपको 5 दवाई नहीं लिख दे तो आपको लगेगा कि हमको तो कुछ है ही नहीं। यदि सिंपल एक दवाई लिख दे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बस एक दवाई, इसने अच्छा से नहीं देखा। अब उसके साथ साथ यदि विटामिन या मिनरल मिक्स लिख दे, या दो चार जो है वो एंटीबायोटिक्स लिख दे, उसके साथ गैस की गोली लिख दे, तो वो क्या होगा, वो बोलेगा कि हाँ डॉक्टर ने बहुत अच्छे से मुझे देखा है। तो कुछ ड्रग्स जो होते हैं ना उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, बस उनको पेशेंट को खुश करने के लिए, ठीक है, पेशेंट को खुश करने के लिए, पेशेंट को साइकोलॉजिकली ये जताने के लिए कि ये दवाई उनके लिए सूटेबल है और ये खाना चाहिए। तो इस तरह के ड्रग्स को हम लोग प्लेसबो बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं कि उसकी साइकोलॉजिकली डिपेंडेंस ये जो ड्रग को है उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सो बेसिकली प्लेसबो इज अ व्हीकल फॉर क्योर बाय सजेशन एंड इज सरप्राइजिंगली ऑफन सक्सेसफुल दो ओनली टेम्पोररी। क्या होता है कि उसके जो होता क्या, जैसे सपोज किसी को कैंसर हो गया, अब होता क्या है, जब व्हेन योर साइकोलॉजी, यानी जब आप स्ट्रेस में, अब देखो इसका क्या है, इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से होता है, इफ यू आर स्ट्रेस फ्री योर बॉडी कैन फाइट एनी डिजीज। आपका बॉडी जो है ना किसी भी डिजीज के लिए फाइट कर सकता है, कब, जब आप स्ट्रेस फ्री हो, क्योंकि एज वी आर नोइंग दैट स्ट्रेसफुल इवेंट कैन लीड टू इम्यूनो सप्रेशन, ठीक है। तो इस स्ट्रेस को मिटिगेट करने के लिए हम लोग एक फॉल्स ड्रग का यूज करते हैं जिसको हम लोग प्लेसबो बोलते हैं। जैसे किसी को यदि चींटी काट ले और बोले कि सांप कट गया तो ऐसे ही मर जाएगा, और उसका यदि हम झूठ मूठ का एंटीवेनम बना करके डाल दिए, इवन कि वो मिनरल मिक्स ही है या फिर कोई फिजियोलॉजिकल सेलाइन है, तुम चढ़ा दो तो बोलेगा कि हाँ अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। सो सच काइंड ऑफ ड्रग्स कैन बी कॉल्ड एज प्लेसबो। क्लियर सर? जो टॉनिक सब होता है वो प्लेसेबो में आएगा सर? देखो जब हमारे बॉडी में कुछ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये टॉनिक भी कभी कभी किसी सर्टेन केसेस में वी कैन से इट प्लेसेबो। लाइक सपोज इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, इफ दे आर टेकिंग लीव 52 इट्स ओके, वेल एंड फाइन, ठीक है। लेकिन आप एक्सेसिव किसी भी अमाउंट का चीज, जब आपकी लीवर हेल्दी है एंड यू आर सप्लीमेंटिंग पर्टिकुलर ड्रग in a regular interval, then what will happen? Again, the same drug will act as a poison. Clear? तो कहीं ना कहीं negative impact उसका होगा। जो tonic बोलते हैं, वो tonic के नाम से उसका एक market है। वो tonic के नाम से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। So basically, such kind of drugs can be fallen as under the placebo effect. आप देखो कभी कभी डॉक्टर के पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, उनके पास, मैं बता रहा हूँ आजकल जो पेशेंट जाते हैं उसमें
लगभग 50% कम से कम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ टॉनिक की जरूरत होती है, उनको टॉनिक एक लिख दिया और वो हैप्पी है। और यहाँ पे इसलिए क्या कहा गया कि ये जो है टेम्पोरली है, उसको लगता है कि जब तक ये है मतलब दवाई है तब तक ठीक है, और फिर जैसे ही दवाई खत्म होगी उसको लगेगा हम कमजोर फील कर रहे हैं, कमजोरी आ रही है या फिर इस तरीके की। तो ये बेसिकली जो प्लीज करने के लिए हम लोग डालते हैं उस तरह के व्हीकल को हम लोग प्लेसबो बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम उनको इम्यूनो सप्रेशन से निकालने के लिए हम लोग प्लेसबो जो है वो प्रोवाइड करते हैं किसी भी ड्रग की, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारे ऐसे कैंसरस पेशेंट्स होते हैं जो लास्ट स्टेज में हों लेकिन फिर भी उनको कुछ दवाएं लिख दी जाती हैं कि आप ये दवाएं लो, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो एनाल्जेसिक है जो पेन रिलीवर का काम कर सकता है, तो थोड़े दिन तक ठीक रहेगा, बट उनको लगता है कि हमारा जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है वो कैंसर के लिए, बट द थिंग इज इन अदर वे। डॉक्टर भी इस चीज को जान रहा है कि दिस इज एनाल्जेसिक और पेन किलर, बट इंस्टेड दे आर प्रोवाइडिंग इट सो दैट दे कैन फाइट दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस। अब वो यदि सोच ले कि हम 4 दिन बाद मरेंगे तो 2 दिन पहले ही मर जाए, इसलिए इस तरह के केस में हम लोग प्लेसबो डालते हैं, यानी पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं बट पेशेंट के प्लीजिंग के लिए, उसके एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, उसके साइकोलॉजिकली इम्यून बूस्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा डोज रिलेटेड टर्म्स पे जो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। अब डोज ऑफ द ड्रग की जब हम बात करें तो डोज ऑफ द ड्रग इज एन एस्टिमेट अमाउंट ऑफ ड्रग, इट इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ड्रग। अभी 10 मिनट बचा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम ये खत्म करें। दैट व्हेन एडमिनिस्टर्ड बाय अ पर्टिकुलर रूट टू अ सर्टेन स्पीसीज इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस अ सर्टेन इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, यानी किसी भी ड्रग का वह एस्टिमेटेड अमाउंट, मतलब किसी भी ड्रग का वह की वह मात्रा जो किसी भी पर्सन को जब हम उसको एडमिनिस्टर करें तो जो हम इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स उससे चाह रहे हैं वो रिस्पॉन्स वो शो करे, ठीक है, क्लियर। सो डोज ऑफ द ड्रग इज जनरली एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ड्रग व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू अ पर्टिकुलर पर्सन थ्रू अ पर्टिकुलर रूट, इट मे बी इंजेक्शन, इनहेलेशन और थ्रू ओरल रूट टू अ सर्टेन स्पीसीज इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस अ सर्टेन इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड डोज ऑफ ड्रग। Now, it can be also called that dose is a quantity of medication which brings a certain intensity of response. Clear? अब यहाँ पे हम लोग आते हैं dose and doses पे। जब यहाँ पर basic difference what it is that a dose refers to a specified amount of medication. एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अमाउंट है, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ड्रग है, ठीक है, टेकन एट वन टाइम, यानी कि आप एडमिनिस्टर्ड एक टाइम में जो करते हैं और जो इंटेंसिटी ब्रिंग हो रही है उसको हम लोग डोज बोलते हैं। सो डोज रेफर्स टू स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मेडिकेशन टेकन एट वन टाइम, व्हाइल डोजेस इज द प्रिस्क्राइब्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट, नंबर and frequency of doses over a specific period of time. अब देखिए dose मतलब क्या हुआ, taken at one time but doses is given for a specific period of time. So basically this is the difference between dose and doses. So doses is the determination and regulation of doses. We can say, हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, in short we can say doses is the determination and regulation of doses. Clear? Now we will discuss about the लेमन मासा बताइए सर, डोज और डोजेस। देखो डोज क्या होता है, कोई भी ड्रग की वह मात्रा जो हम लोग एक समय में देते हैं और उनका एक सर्टेन इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दिखता है, लेकिन डोजेस क्या होता है, कोई भी प्रिस्क्राइब्ड एडमिनिस्ट्रेशन यदि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक हम देते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट में, ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ, जैसे दिन में 2 गोली लेना है, 1 महीने तक लेना है, और तब यह क्या इफेक्ट शो करेगा, तो उसको हम डोजेस बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना माइल और माइलेज, हम लोग जब हम माइल की बात करते हैं तो माइल मतलब कि ये दूरी को तय करती है,
जब माइलेज की बात करते हैं तो ये औसतन कितनी दूरी तय करती है उसको डिनोट करता है, यही बेसिक डिफरेंस है डोज और डोजेस। क्लियर? यस सर। ओके, देन पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द मेडिसिन डोजेस विच वेरीज विद द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, द इंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड द इंडिविजुअल टॉलरेंस और ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। पोसोलॉजी फार्माकोलॉजी की वह ब्रांच जो मेडिसिन के डोजेज के बारे में किस ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पे किस तरीके से रिस्पॉन्स शो कर रही है, क्या इफेक्ट ब्रिंग कर रही है, क्या इफेक्ट ला रही है, शो कर रही है, और उस इंडिविजुअल का जो टॉलरेंस कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है या ससेप्टेबिलिटी है वो क्या है, इसकी स्टडी हम लोग पोसोलॉजी में करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिसिन और फार्माकोलॉजी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लोडिंग डोज। लोडिंग डोज इज वन और अ सीरीज ऑफ डोजेस that may be given at a onset of therapy with the aim of achieving the target concentration rapidly. yani loading dosage drug ka woh dose jo kisi bhi dose ke initially yani first glimpse mein ya first time mein kisi bhi disease ke onset hone par jo diya jata hai usi ko hum log loading dose bolte hain, matlab फर्स्ट डोज हाई डोज, इसके बाद सब्सिक्वेंटली यानी कंसंट्रेशन जो है बॉडी का, जैसे कैंसरस में आप देखते हो कैंसर स्टेज में या रेडियो एक्टिव दवाएं देते हैं या कीमोथेरेपी करते हैं, तो पहला जो डोज होता है जो ऑनसेट किसी भी डिजीज के ऑनसेट होने पर जो फर्स्ट डोज दिया जाता है तो ऐसे डोज को हम लोग लोडिंग डोज बोलते हैं। तो ये सीरीज का लोडिंग डोज इज वन और अ सीरीज ऑफ डोजेज that may be given at the onset of therapy with the aim of achieving the target concentration rapidly. yani kisi koi bhi jaise time interval hota hai, jaise suppose pehla dose hum chemotherapy bolte hain, chemotherapy ka suppose ek ya do dose humko dena hai, to ye jo do dose subsequent dose mein hum dal rahe hain kisi bhi interval ke pehle, theek hai, jaise suppose 15 din ke baad fir dusra dose, to 15 din ke baad teen chemotherapy leni hai, तो पहला डोज जो होगा कीमोथेरेपी की वो दो टाइम में होगा, तो ये जो फर्स्ट जो आप दो डोज दे रहे हो उसी को लोडिंग डोज बोलते हैं। ठीक है, ये कीमोथेरेपी की केस में या रेडियोथेरेपी की केस में या व्हाट एवर सो, तो जो फर्स्ट डोज आप मेडिकेशंस का दे रहे हो, जब हम लोग कुछ हो जाता है तो उसके साथ साथ बहुत सारा एनाल्जेसिक्स एनास्थेटिक्स हम लोग और बहुत पेन किलर और एंटीबायोटिक्स डालते हैं ऑपरेशन के टाइम, तो वो लोडिंग डोज हो गया। फिर समय के साथ साथ हम या तो उसको एक उसका इवेल्युएशन करके और जो सब्सिक्वेंट उसकी जो सीरीज आगे बढ़ती है, तो जो फर्स्ट वाला जो सीरीज हो गया उसी को हम लोग जो फर्स्ट जो प्राइमरी जो हम लोग डोज दिए उसको हम लोग लोडिंग डोज कहेंगे। मेंटेनेंस डोज क्या है, ये तो पहला डोज हो गया लोडिंग डोज, और सब्सिक्वेंटली अब इस डोज के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, यानी कि इतना कंसंट्रेशन में यदि हम कोई भी दवा देते रहे तो फर्दर इन्फेक्शन से हम बचाव कर सकते हैं, तो ऐसे डोज को मेंटेनेंस डोज बोलते हैं। सो मेंटेनेंस डोज इज अ सीरीज ऑफ रिलेटिवली स्मॉल डोजेस दैट फॉलो द लोडिंग डोज इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इफेक्टिव कंसंट्रेशन इन द बायोफेज। ठीक है, जो किसी भी बायोफेज को मेंटेन करने के लिए या पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके कंसंट्रेशन को उनके जैसे सपोज हम लोग को अभी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है और एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है कौन सा, एच पाइलोरी बोलते हैं, ठीक है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो फर्स्ट जैसे सपोज कोई बहुत क्रॉनिक गैस्ट्रिक से जूझ रहा है और फर्स्ट टाइम वो डॉक्टर के पास गया, तो वो क्या करता है, सबसे पहले हार्ड जो फर्स्ट डोज वो देगा जो वो बहुत हार्ड होता है, तो दैट मे बी कॉल्ड एज लोडिंग डोज। एंड फर्दर क्या होता है, जो सब्सिक्वेंट डेज में या सब्सिक्वेंट जब आप जाते हो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो आपको एक कंसंट्रेशन में एक देखता है, यदि उसका इफेक्ट पॉजिटिव शो कर रहा है तो आपको सब्सिक्वेंट डोज में वो उसके लोअर अमाउंट में डालेगा कभी। ठीक है, जैसे पहले आप 3 गोली लेते थे पहले दिन या दूसरे दिन, तो उसको धीरे 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 वो कम करता है किसी भी दवा को, ऐसा नहीं होता है कि तुरंत आपने एक दवाई ली और सडन आपने उसको छोड़ दिया, जो जनरल प्रैक्टिस में हम लोग अपने से करते हैं, जैसे बुखार हुआ हम पैरासिटामोल लिए और ठीक हो गया तो हम छोड़ देते हैं,
दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस वॉट एवर वी आर डूइंग. सो बेसिकली इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम लोडिंग डोज एंड शुड बी एंडेड विद द मेंटेनेंस डोज, यानी स्लोली स्लोली इट शुड बी कम डाउन सो दैट द बायोफिल शुड बी मेंटेन. क्लियर? तो ये था टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यहाँ पर खत्म कर चुके हैं. अब नेक्स्ट जो है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सोर्स ऑफ ड्रग्स. कौन कौन से सोर्स होते हैं, जैसे प्लांट ओरिजिन हो सकते हैं, एनिमल ओरिजिन हो सकता है, माइक्रोबियल ओरिजिन हो सकते हैं. तो सबसे पहले प्लांट सोर्स जो ओरिजिन होते हैं उनमें कौन कौन से एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अल्कलाइड्स हो गया, जैसे कि सेपोनिन्स हो गए, टैनिन्स हो गए, गम्स हो गए, रेजिन्स हो गए. तो ये सब कुछ जो होते हैं आपके अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, ऑयल्स, टैनिन, सेपोनिन, रेजिन, गम्स, ये जितने भी एक्टिव कंपाउंड हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो हम लोग इसको कंटिन्यू करें या फिर अभी स्टॉप करें? हेलो, स्टॉप कर दीजिए. ठीक है, मैं ये नोट्स जो है नेक्स्ट क्लास होने के पहले मैं आप लोग को दे दूंगा, लेकिन प्लीज आप लोग थोड़ा इसको रीड कीजिए, कहीं नहीं समझ में आया ना तो मुझसे जरूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि बाद में नहीं तो एक एक टर्मिनोलॉजी. सर, लोडिंग डोज हमेशा ज्यादा होगा क्या मेंटेनेंस डोज? यस यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जो फर्स्ट डोज होता है ना वो हमेशा हाइयर होता है. इन जनरल जो है वो लोडिंग डोज हाइयर होता ही, इसके बाद